इधर देखिए जनाब। हेलो, नहीं करने बात, नहीं करने। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था क्या मसला है, क्या परेशानी है। आपने बोला नहीं करने बात, मुझे कुछ बताएंगे तो मैं कोई दवाई इलाज करूंगा ना। सच में मैं इतना परेशान हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ जितना आज परेशान हुआ। मेरी बात समझ रही है ना? जी समझ रही हूँ। आपने अभी बैठना है, कोई काम नहीं करना। कौशल के पांव पर उसकी हड्डी टूट गई, तो वो अभी परेशान है बेचारे, रो रही है दर्द से। घास भी होता है, पट्टे भी होते हैं, आप पट्टे ही बोल रहे। तुम्हें तो पता है दोबारे दुख की वजह को, तो मेरा तो दिमाग जहन काम ही नहीं करता। रोए नहीं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। मैंने अल्लाह खैर करेगा, आप रोए नहीं, रोना बंद करें। मैंने तो वैसे दूध का पूछा है, आप तो जैसे गुजर रही है, अल्लाह पाक ने जो जिंदगी दी है इसके लिए भी। बहन भिरा मैं ना कर रहे, जो मुझसे जो गाल गल्ला तो हो जाती है कोई, मैं ये सिर्फ बता रही हूँ जो मेरी हालत ऐसी है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। ये ड्रामेबाज नहीं बोलेंगे। आज जो है सच में उसके पाँव पर गाँव ने जो है अपनी टांग दे दी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते बसते खेलते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियो पूरी वॉच किया करें। अभी चलते हैं कौशल के पास, वो शायद शाम की फिर से रेसिपी की तैयारी हो रही है। सर इधर देखें जनाब। हेलो, आज लगता है मूड नहीं है व्लॉग बनाने का। क्या बात है, कोई मसला है? नहीं करने बात, नहीं करनी। पक्के नाराज हैं? चलें जी, आपकी मर्जी। तो बहन भाइयों, आज मैंने अकेले व्लॉग बनाना है, तो माइंड नहीं करना। आज बेगम साहिबा का पता नहीं किया मूड ख़राब है, मुझे बता तो नहीं रही। पहले भी बताया है उसे कि कोई भी अगर नाराज़गी हो वो वीडियो में नहीं लाना। फिर भी देखे आपके सामने पता नहीं किस बात की नाराज़गी और वीडियो में जाहिर कर रही है कि मैं नाराज़ हूँ, गुस्सा हूँ। चलें जी, उसकी मर्ज़ी, मैं क्या कह सकता हूँ। इधर जी बना रही है आज करेले की रेसिपी। ये प्याज, ये करेले अभी जो है शाम को ले आए, लेट ले आया। कमरान बड़ी सब्जी लेट ले आता है, तो ये मसाले अभी ये काटेंगी, फिर धूप में रखेंगी, फिर शाम भी होने वाली है, पता नहीं किस टाइम बनेंगे। चले कोई ना, इधर चलते हैं भाभी की तरफ। यहाँ वेचर पे आज भाभी बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, तो फूलों की तरह से मुस्कुराते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। वो मवेशी खोले हैं ना, तो थक गई थी इसलिए आके व्हील चेयर पर बैठ गई। अच्छा, ये दोनों का सेम ही है कि वो टोका करती है इस्तेहाना, तो वो भी यही रेस्ट करती है? हाँ जी। आप भी मवेशी खोलते हैं तो यही रेस्ट? ये कोई सुकून वाली गाड़ी तो नहीं? सुकून वाली गाड़ी नहीं लगती, नहीं। अल्लाह पाक ने सुकून किसी को ना दे इस गाड़ी पर, क्योंकि वो क्या है ना कि मैं आई तो यहाँ पर कुछ बैठी हुई थी औरतें, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई। चले जी, रेस्ट हो रही है, अच्छी यहाँ रेस्ट होती है मेरे ख्याल में। हाँ जी, ये लेके घूमते रहती है ना। हाँ जी, चले मज़े करें, रेस्ट करें, फिर दूसरे काम भी वो भी करने होंगे। हाँ जी, आज उसका मूड पता नहीं क्या हुआ, कौशल को कोई पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। चले खुद ही बता देगी। ये तो मैं फिर आ गया कौशल के पास, अभी देखते हैं और पूछते हैं क्या परेशानी है, वो बात करती है या नहीं करती है, उससे पूछते हैं। अब भी साथ बैठे हैं, कोई भी मसला परेशानी होगी तो वो खुद बता देगी। और पूछते हैं उससे, सब्जी काट लिया यहाँ पे? हाँ, सब्जी काट ले। हाँ जी, काट ले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। खैरियत? आज पहले मैं आया सब्जी की पोजीशन देखने, तो आपने सलाम ही नहीं किया। वो बहन भाई माइंड करेंगे, देखना जी। प्यारे बहन भाई, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जब भाभी ने एक जानवर खोला तो दूसरी मैं खोलने गई, तो पैर में चढ़ गई। पाँव पे चढ़ गई उसने, टांग दे दी ऊपर आपके। हाँ पाँव पर? हाँ जी। इसी पाँव पर जी? किस जगह?
इस जगह हटे के ऊपर जी। अच्छा, तो यही परेशानी थी? हाँ जी, यही परेशानी थी, इसलिए मैंने चुप चुप बैठ गई। मुझे बताती ना, मैं आपसे पूछ रहा था क्या मसला है, क्या परेशानी है। आपने बोला नहीं करने, बहुत मुझे कुछ बताएंगे तो मैं कोई दवाई इलाज करूँगा ना। अभी जाकर दवाई ले आओ, वैक्स होती है, वैक्स वो मालिश करके ना रात को पट्टी बांध देगी, गर्म रेस्ट चाहिए, हड्डी का जो दर्द हुआ है ये आराम हो जाएगा। वैक्स या वैक्सीन? नहीं नहीं, वैक्स होती है, वैक्स मलम मरहम होती है, मालिश वाली दवाई होती है, उसकी मालिश करोगे ना रगड़ के, फिर ऊपर पट्टी बांध देना, वो गर्माइश देगी अंदर, वो जो हड्डी को दर्द है और जो चोट लगी है वो उससे ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहले पूछा डॉक्टर से कुछ टेबलेट वगैरह लेकर आना दर्द की, क्योंकि वो चल भी नहीं सकती है, अभी मुझे बताया उसने। अच्छा, आपको बताया पहले? मैंने पूछा ना भी क्या परेशानी है, खामोश खामोश हो, बोल नहीं रही हो, क्योंकि ये जब ये नहीं बोलती तो हम सब परेशान हो जाते हैं, अभी क्या मसला है, क्या वजह है, जो हमारी प्यारी बेटी है जी। मैं भी डर गया था, मैं आया, मैं खुशी से आया, जैसे रोज बात करते थे। नहीं, पूरे पाँव में दर्द था इसलिए चुप बैठी थी। और मैं भी ऐसे खुशी से कैमरे लेकर आया, मैंने कहा ये बैठी है कौशल, तो इसके ऊपर कैमरा किया तो ये कहती है नहीं मुझे नहीं करने बात। नहीं बेटा, ये परेशानी होती है, कोई मसला होता है तो बताना चाहिए, कोई दवाई लेनी है, कुछ भी है कुछ बता दिया करें, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होता। अगर गाय ने पाँव दे दिया है तो वो मुझे बताते या इरफान को बताते कि दवाई लेके आओ, मुझे दर्द हो रही है, तो दर्द वाली कोई टेबलेट ले आते या कोई दवाई लेके आते। ऐसे भाई बहन भाइयों से भी नाराज़ हो गए, वे लोग भी बात नहीं करनी है। नहीं अब मैं यही सोच रही थी कि कोई भी दुख होते हैं कि मुझे क्यों आते हैं। अल्लाह की मर्जी, अब हम इंसान तो नहीं है मालिक, अल्लाह पाक है, वो जिसको जब चाहे दुख दे, जिसको जब चाहे खुशी दे। कोई इंसान तो नहीं हमें चोट दे गया, हम उससे जाकर लड़ पड़ेंगे, जानवर है, जानवर तो चलते हैं तो पैर आ जाता है ऊपर, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो गलती है भाभी की कि वो पहले दूसरी गाय खोलने थे, वो ज़्यादा शरारती करती है। हाँ, वो भूल गई, पहले बता देती तो वो पहले खोल लेते। हाँ, आपने पहले वो खोल लिया करें, आपकी ड्यूटी है ना वो रोज़ खोलने की। पहले वो खोल लिया करें, बाद में भाभी को बोले कि दूसरी गाय। मैं कह दूंगा उससे, पहले वो ना खोले दूसरी गाय, पहले ये खोल लेंगे, बाद में अगर नहीं चल सकती हो जाए एक दो दिन तो फिर मैं कर लूँगा, या तुम्हारी अम्मी कर लेंगी, कोई बात नहीं। आज देखा है मैंने, ऐसे थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, पूछा तो बता ही नहीं रही थी, दर्द की वजह से नहीं चल रही थी ना, वो परेशानी में बस बताया ही नहीं। चले, अभी दर्द हो रहा है या अभी कुछ दर्द कम है? हाँ जी, इस हड्डी में दर्द दर्द हो रहा है। इसी जगह दिया पाँव, ये निशान लगा हुआ है जी। हाँ जी, तो इस तरह ये निशान भी आ गया पाँव का जी। वो उसका वजन पाँव होता है, वो हड्डी पे आ गया ना, हड्डी पे जो जब जोर आता है तो वो दर्द तो होता ही है। चले, अल्लाह ख्याल करेगा, दवाई ले आते हैं। और इस्तियाना को आज पता नहीं क्या हुआ है, वो सुबह से सोई हुई है। नहीं, उसका मुंह फूला हुआ है, फिर से मुंह फूला हुआ है। हाँ जी, जब जैसे समिया का था वैसा ही है, अम्मी ने दवाई लगाई है। लगा दी है? हाँ जी, ग्लासरीन भी पड़ी है, दूसरी दवाई भी पड़ी है, सोमाजल भी ले आए थे, सोमाजल भी पड़ी है, वो लगवा, सोमाजल ज़्यादा अच्छी है, बहन भाइयों ने बताया वो लगवा दें, और मैंने खुद भी शाम को लगानी है। मैं भी बोलता हूँ तो मुझे ना यहाँ से दर्द होता है। ओके जी, अभी क्या पोजीशन है इसकी? जी, कटाई होगी। कटाई होगी, करेले का दर्द गया, करेले उड़ गए? नहीं, करेले को धूप में रखे। अच्छा, उड़ कर वहाँ चले गए? हाँ जी। ओके जी, फिर आप बनाएंगे या भाभी? मैं बनाऊंगी। बना लेंगी जी। ओके, हो गया जी। यहाँ जी, हम इस इस्तियाना के बिल्कुल करीब आ गए उसकी खैरियत पूछने के लिए। हाँ इस्तियाना, आज क्या परेशानी है, कोई क्या हुआ है, इशारा करके बताओ क्या हुआ है। मुंह पका हुआ है, मुंह फूला हुआ है। अच्छा, दवाई लगाई है? दवाई लगाई है, अम्मी ने लगवाई थी, किसने लगवाई? अम्मी ने। चले, अब कुछ दर्द हो रहा है या अभी सही है? सही हो रहा है। चले, जल्दी ठीक हो जाएंगी, ठीक है, टेंशन मत लें, और उठें। ये मुंह पकने से खेलना कूदना भी छोड़ दिया, आप उठें, खेले कूदें। आप व्हील चेयर पर बैठे हैं, आज आपकी व्हील चेयर पर मैं खुद बैठा हूँ, ये देखें, पहले भाभी बैठी थी और अभी मैं बैठ गया।
आप उठेंगे तो आपके व्हील चेयर आपको मिल जाएगी। खेलना नहीं है आज, उठें और खेलें। आपकी दवाई जो है, तीन तीन दवाइयाँ रखी है मैंने आपके लिए, आज शाम को भी लगाना, ठीक है। अम्मी कहाँ गई? घास कुतरने? ओ, घास काटने। अच्छा, और दूसरी झकिया अंदर चलें जी। अल्लाह पाक खैर करेगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, हाँ कौशल, कहाँ तक पहुँची? आप रेसिपी बना रही हैं और मेरे ख्याल में आज भी बहुत टेस्टी बनाएंगी। अच्छा, कल वाली रेसिपी भिंडी की आपने बनाई थी ना? हाँ जी। आज करेले की रेसिपी भी आप? हाँ जी। अच्छा, ये क्या कर रही हैं अभी? अभी सफाई कर रही हूँ। तंदूर की? आपने तो चूल्हे पर पकानी है, वहाँ पका लें। ये वैसे सफाई कर रही हैं या यहीं बनाएंगी? नहीं, वैसे सफाई कर रही हूँ। चलो फिर रेसिपी भी स्टार्ट करें, शाम होने वाली है। ओके जी। जी ठीक है। इरफान भाई ये टोका कुतर रहे हैं और कामरान जो है वो मोटे दे रहे हैं। आपने मशीन नहीं खिलाई? ये देखे, वो डेली बोलता हूँ मशीन खिलाए मशीन खिलाए। अबू को बोले ना, वो रेती ले आए और इनको खिला दें। अगर नहीं खिलाने तो ये खोल के ना और टोका टपवा के हैं। और आज जो है बहन भाई, मैं इनको डेली बोलता हूँ कि मुझे बुलाया करें टोका करने के लिए, मुझे शौक है। मशीन पेता हूँ तो मेरे पट्टे जो है थोड़े फट जाते हैं। सब्र करो, बात तो करने दो। अच्छा, तो आज अम्मी बिजी थी। हाँ जी। अम्मी जो है वो दूर निकाल रही थी गाय का, तो मैं चला आया। और आज इंशाल्लाह टोका भी करते हैं। हाँ जी। इसके बाद रेसिपी भी दिखाएंगे करेले की। हाँ जी। दादाजी अम्मी निकाल रही हैं दूध, मैंने आधा टोका खुद कुतरा है और आधा जो है कमरान को दे दिया है। और अभी मैं यहाँ की पोजिशन देखने आ गया अम्मी की। वो टोका जो है कामरान और भाभी कुतर रहे हैं, और अभी वो पीछे देखे इश्तिहाना भी जा रही है, वो भी कुतराएगी टोका। और इधर अम्मी जो है दूर निकल, आपको फिर से पोजीशन दिखाता हूँ अम्मी कैसे दूर निकलते। कल भी दिखाए तो आज भी दिखाते हैं, और हाल अहवाल भी पूछते हैं अम्मी। तो ये देखें जी, अम्मी दूर निकाल रही हैं माशाल्लाह, और इतना सा निकाल भी लिया है, और हाल अहवाल भी पूछते हैं अम्मी से। अम्मी क्या हाल है, आपकी तबीयत से ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा, आपका चेहरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, वो आगे जो है? बस हाँ जी, गाय सामने है, तो पीछे से मैं आ नहीं सकता क्योंकि वहाँ से भी चेहरा नज़र नहीं आता। वही बात नहीं, सामने आ गया तो दूध भी आप निकाल रही हैं, वो भी देख लिया बहन भाइयों ने, और आपकी तबीयत सेहत भी ठीक। अच्छा, ओह भाभी, ओह अम्मी बोल जाता हूँ। वो आज ना कौशल के पाँव पर ये जो गाय खड़ी है ना, ये सफ़ेद वाली, इसने पाँव दे दिया कौशल के पाँव पर, उसकी हड्डी टूट गई। अच्छा। तो वो अभी परेशान है बेचारे, रो रही है दर्द से उसके पाँव पर। कहा है ना भाभी तेरी को, कहा इसे पहले ही खोला करो, रोज तो मैं आप खोलती थी, आज तो मैं उड़े गई मेहमान के पास थे। हाँ, मैंने भी यही बोला कि पहले उसे खोल दिया करें, आज गलती हो गई, भूल गई वो, और पाँव भी दे दिया कौशल का, पैर की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। और अभी दवाई लेने गए हैं अबू, अबू को भेजा है मैंने, और वह इंशाल्लाह दवाई ले आएंगे तो लगाते हैं शाम को, और इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी। आप दुआ करते रहें, सारे दुख जो हैं कौशल के नसीब में पता नहीं क्यों लिखे हैं खुदा ने। पता है अल्लाह मियां ने कैसे दुख दिया हमारे घर में, सारे एक उठता तो ब्याह सुन देता तो सारे भी लिखे गुजरे होते हैं, पता है अल्लाह ताला। चले, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह पाक जिस पे राज़ी होता है या जिस पे नाराज़ होता है। हमारी कोई गलतियाँ कुताहियाँ होंगी तो अल्लाह पाक। तो मैं आ गया फिर से चूल्हे में, यहाँ कौशल जो बना रही है रेसिपी। हाँ कौशल। हाँ जी, बना रही हूँ। परेशान नहीं होना, आपने अभी भी सर नीचे करके ना, वो जैसे कहते हैं ना मुँह लटका के बैठी थी, अभी भी आपका मुँह उतरा हुआ है और नीचे मुँह करके बैठे हैं। परेशान नहीं होना, बाबू जो है दवाई लेने गए हैं, मैंने भेजा है उनको, मैं जो अभी यहाँ मसरूफ़ था तो अबू को भेज दिया। ओके जी, थैंक यू। दवाई ले आते हैं और शाम को लगाते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और अभी इधर घी डाला हुआ है? हाँ जी, घी भी डाला हुआ है, तो नीचे आग भी जलाया है। कौशल ने मुझे यहाँ बिठा दिया है कि मैं इसके मच्छों को जो है देखता रहूँ, और नीचे आग बुझ गई थी, अभी जला दिया मैंने। कौशल जो है वो करेले लेने गई थी, उसे देखते हैं, वो देखे आ रही है। जो बहन भाई समझते हैं कि ये ड्रामा करते हैं, वो देख सकते हैं कि
कि कसरत कैसे चल रही है, कसरत थोड़ी पीछे होना, देखें बड़ी मुश्किल से चल रही है। और बहन भाई मुझे उम्मीद है कि ड्रामेबाज नहीं बोलेंगे, आज जो है सच में उसके पाँव पर गाँव ने जो है अपनी टांग दे दी और वो पाँव की हड्डी जो है काफ़ी पता नहीं चेक तो नहीं करवाई टूटी है या बच गई है। आपको उससे ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है? हाँ जी, जब ऐसे चलती हूँ ना बस ज़्यादा दर्द होता है। तो ज़्यादा तो वो तो हड्डी पे ही जख्म होगा मुझे लगता है, हड्डी अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे हड्डी बच गई हो। जी प्यारे बहन भाई, अगर इरफान झूठ बोलता है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे भरोसा रखिए, इरफान पर भरोसा रखिए, हम सच कह रहे हैं। आज जानवरों ने जब मैं खोलने गई तो ऐसे टप्पे लगा के रखा था, जब मैं बह के नीचे बह गई जब खोलने लगी तो मेरे ऊपर चढ़ गई। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आप ये रेसिपी बनाएं बैठ के और ज़्यादा काम नहीं करने, आपके पाँव जो है ना आप चल नहीं सकती ठीक से, तो आपने ज़्यादा काम नहीं करने। ओके इरफान, अब मेरी हेल्प कर रहा है, ऐसी बात है ना जी, मुझसे आपकी तकलीफ जो है वो नहीं देखी जाती, सच में मैं इतना परेशान हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ जितना आज परेशान हूँ मैं। हाँ जी, मेरी बात समझ रही है ना? जी समझ रही हूँ। आपने अभी बैठना है, कोई काम नहीं करना। नहीं कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ के रेसिपी बनाऊँगी, करेले की रेसिपी भी मैं बनाऊँगा, और अगर आप करेंगी तो आपकी हेल्प जैसे जैसे कर रहा हूँ मैं ऐसे करता रहूँगा हेल्प भी। जी ठीक है। हाँ जी, आपकी तबीयत जो है ठीक नहीं है और वो पाँव का मसला भी आज बन गया, अल्लाह खैर करे, आपने कोई भी ज़्यादा काम नहीं करना है। ठीक है, आप रेसिपी और वजन तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ जी, ये मैं दूध निकाल लिया जी, सोया दा निकाल दिया माशाल्लाह, पट्ठे छट्टे पाड़ता, ये घास वास मुझे नहीं नहाता, मैं तो पट्ठे ही कहते, इतने तो रिवाज है जो पंजाबी सारे रोए ले तो पट्ठे ही कहते, पट्ठे वढ़ लो, पट्ठे गाँव को सट लो, दूध निकालो, इससे ऐसे ही कहते हैं, हमारे तो यही याद। आपके तो सराकी, आप तो ज्यादा सराकी में बात करते हैं, घास वास आते घास, आप बोलते रहिए है घास बस भी मैं ऐसे बोल देती हूँ, घास भी होता है पट्ठे भी होते हैं, आप पट्ठे ही बोल लें। तुम्हें तो पता है दोबारे दुख की वजह को, तो मेरा तो दिमाग जहन काम ही नहीं करता, मुझे जे वो मुँह में आता है बोल देते हैं, कोई गल सीधी कोई उल्टी कोई पुठी जैसी आवे नहीं, तो ये औलाद का दुख तो अल्लाह मियाँ किसे को ना दे, जो जेड़ी दुख है मैं गुजरिया नहीं पाया, मेरे पता ना तुम्हारे भेणी की क्या हालत है, तुम्हारी क्या है, अठ बच्चे को पालना ही मुसीबत में दुख में, कैसी मैं माँ हाँ, जो मेरी हिम्मत समझो कि मैं थोड़ा कूँ इतना जवान किया है जी, आपका बहुत एहसान है, कर सकी तो मकसद तुम्हारा पेट पालने के लिए, तो मैं सब कुछ किया ना, हर दर पदार रोली ठोकर खाद्या मजदूरियाँ किता सारा कुछ बेटा, मैं तुम्हारे पेट की खातर किया ना। रोए नहीं, रोए नहीं, मेरा तो दिमाग ही काम। कमरान, कमरान इधर आए, अम्मी रो रही है, इन्हें संभाले, आए ना, अच्छा चुप करें आप, से नहीं निकल दी कहीं, नहीं नहीं रोए नहीं, रोए नहीं, मैं कोई आ जाती है, कोई आ जाते, किसी का दुख देखते हमें बर्दाश्त नहीं होता, हम जो सारे दिन दुखे में छे, कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, आप रोए नहीं, रोना बंद करें, मैंने तो वैसे दूध का पूछा है, आप तो जैसे गुजर रही है, अल्लाह पाक ने जो जिंदगी दी है इसके लिए भी, बहन भीरा मैं ना कर रहे जो मुझसे जो गाल गलत हो जाती है कोई, मैं सिर्फ बता रही हूँ जो मेरी हालत ऐसी है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, जो मेरे दिमाग में आते हैं वही कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप रोए नहीं, रोए सब्र रखें, अल्लाह पाक ने जो ज़िंदगी दी है वो माशाल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये ज़िंदगी तो हमें मिली है, और माँ बाप का फर्ज होता है, इतने दुख है हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, सारी तो औलाद है, हम तो नहीं सोच सकते, आप हौसला रखें और आंदा ना ऐसी बातें जहन में ना लाया करें, जैसे कैसे गुजर रही है अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ जी, तो सर यहाँ की क्या पोजिशन है रेसिपी की? जी अभी करेला डाला है। करेले डाल दिए ना, मसाला आप रेसिपी तैयार करें, और आज के लोग हमारा हो गया मुकम्मल, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो गरीब है मुस्तक है अल्लाह पाक उनके मुताजी दूर करें, और उनके घर में रोजी में बरकत अता फरमाए, और जो बहन भाई देखते हैं सपोर्ट करते हैं अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करें, उनकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ पैदा हों, उनकी हाल दिल ख्वाहिशात और मुरादें पूरी हों।
जो बहन भाई वफात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को जन्नत का भाग बनाए और उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज के ब्लॉग हमारा हो गया मुकम्मल, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तक तक के लिए मेरी इजाजत। पाकिस्तान पाक फौज, प्यारे बहन भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये दवाई अबू लेके आएंगे, फिर लगा लेना। ओके जी, इंशाल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ और बहन भाई भी लाजमी दुआ करेंगे इंशाल्लाह।